हेलो 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 एवरीबॉडी वेलकम टू द क्लास आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी का मॉक टेस्ट फटाफट से तो पहले सेशन शेयर कर दिया जाए ताकि बहुत सारे बच्चे एक साथ जुड़ सके और वी कैन सी कि कौन सबसे पहले फटाफट से आंसर करता है है ना यस ओके सो हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग हम लोग अभी फेब के एंड में है लगभग ज्यादा टाइम है नहीं नीट के एग्जाम के लिए ये मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया वे वी आर सिटिंग राइट नाउ और अभी मॉक टेस्ट लगाना कितना ज्यादा जरूरी है है ना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल द मॉक टेस्ट जो भी आपके रास्ते में मॉक टेस्ट आए जो भी मौका मिले फटाफट से दे दिया करो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन देने दे का देने का मौका मिले तो और बढ़िया गो एंड गिव मॉक टेस्ट एज मैनी मॉक टेस्ट एज यू कैन बट नेवर लेट द रिजल्ट या फिर मॉक टेस्ट में मान लो मिला तुम्हें आउट ऑफ हंड्रेड यू गॉट फिफ्टी ठीक है इसे दिमाग में मत घुस जाने देना ठीक है एक्चुअल नंबर्स लेते हैं ना भाई एक्चुअल नंबर्स लेते हैं 720 में से तुम लोगों को मिला कितना 500 मान लो 500 आया किसी बच्चे का डोंट लेट दिस गेट इनटू द हेड ठीक है 500 ही आए क्या होगा ओ माय गॉड क्या हो जाएगा आपको इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि भाई 500 नंबर आए मतलब क्वेश्चन पेपर हार्ड था चलो टेस्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कौन सी कौन सी गलतियां की वापस से उस चैप्टर में जाके गलतियां ढूंढो देखो कहाँ गलतियां हुई है तो विल गेट टू नो एंड लर्न फ्यू मोर थिंग्स ठीक है मान लो तुम्हारा uh, six, uh, 90 आ गया, या फिर सेवन हंड्रेड आ गया उसे भी दिमाग में नहीं चढ़ने देना चाहिए बट ये सोचना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन पेपर इजी था इसलिए क्वेश्चंस बन गए मेरे बट आई वर्किंग इक्वली हार्ड है ना कोई भी मॉक टेस्ट का रिजल्ट आए उसे डोंट लेट गे इट गेट इनटू योर गे हेड है ना एज सिंपल एज दैट चलो जी फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से शुरू करें आई वॉन्ट टू सी सबसे पहले कौन आंसर देता है माई आईज आर ऑन द चैट सेक्शन ठीक है शुरू करें पिटारा खोले क्वेश्चन का लेट अस क्विकली क्विकली बिगेन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन The haploid content of human DNA is human DNA 46 chromosomes उसका total content कितना होता है उसका half होगा haploid content of human DNA yes it will be 3.3 into 10 to the power nine base pair great job बच्चों yes total कितना होता है 6.6 अभी question क्या पूछा गया है haploid so हमें आधे का बताना है वेरी गुड नेक्स्ट कोई दूसरे का आंसर देख के आंसर नहीं देगा अपना दिमाग लगाएगा ठीक है द द प्रूफ दैट इज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ किसने दिया था ये किसने दिया था एक्सपेरिमेंट ग्रिफिट ने हाशी शेज टी एच मॉर्गन यस इट इज हाशी एंड चेज इन्होंने कहा था कि इन इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ही सारे जहान ने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज सेल सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन है ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम सच फिनोमिनल इज नोन एज ये क्या होगा बच्चों फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस मतलब

फरहान नीलम गीतांजलि अर्नब एवरीवन यस इट इज मेरिस्टम कल्चर मेरिस्टम कल्चर मेरिस्टम का कल्चर किया जाता है ठीक है एंथर कल्चर होगा तो एंथर कल्चर होगा तो फिर ये एंथर इज हेप्लॉइड राइट इट इज अ मेल पॉलन मेल पार्ट मेल गैमेट उसको अगर कल्चर किया जाएगा तो अ हेप्लॉइड प्लांट विल ग्रो तो जनरली एक डिजीज प्लांट को लेके उसके मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को कल्चर किया जाता है ताकि एन एंटायर प्लांट कैन ग्रो राइट सो कल्चर आंसर नेक्स्ट अंडर फेवरेबल कंडीशन ताकिंगटोन उसे क्या कहते हैं हम लोग एस्टिवेशन हाइबोनेशन वट डू वी कॉल इट

चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेवन डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एनजियो प्लांट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है पता नहीं ये फिर से एक question होता है, का बताओ, I'm pretty sure आप लोगों को पता होगा ये आंसर बताओ फ्यूजन ऑफ टू एग सेल्स विद टू मेल गैमेट फ्यूजन ऑफ एग सेल

ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मुझे बता दो कौन सा गलत लिखा गया है इसमें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैज ओनली वन जीन यहाँ पे हैज वन और मोर जीन ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म क्या साइटोप्लाज्म में होता है ये ऑकर्स इन द न्यूक्लियस अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए यहां पे द आर एन पॉलिमर इज वन टू थ्री सेंटरसाइजेस आर आर एन एम आर एन एन टी आर एन ए रेस्पेक्टिवली या फिर नन ऑफ द फटाफट से बता दिया जाए मुझे आंसर प्लीज कौन सा होगा आई नीड मोर आंसर यस दिस विल बी नंबर वन ये है गलत क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है Only one gene नहीं, इनका दो जीन होता है इफ यू रिमेम्बर है ना वी कॉल इट फैक्टर्स राइट सो दिस इज इन करेक्ट द रेस्ट एवरी थिंग इज करेक्ट आप लोगों को जिन बच्चों को याद नहीं रहता मतलब बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको समझ फटाफट से आ जाता है पर याद नहीं रहता उनको इस चीज में कंफ्यूशन हो सकता है कि भाई वन आर ही आर आर ए नहीं करता ना टू एम आर ए नहीं करता है ना थ्री टी आर ए नहीं करता है ना यस ये करेक्ट है ठीक है लेटमिटेल यू दिस इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन द टर्म दिलेटेड विद फोर मेजर कॉजेज ऑफ अभी ऐसा हो सकता है कि वो फोर मेजर कॉजेज आपको पता हो बट वो किसके अंदर था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एयर पोल्यूशन पॉपुलेशन एक्सप्लूशन बायोडाइवर्सिटी लॉस किसके अंदर था हम लोग ब्रिटिश और आप लोगों को वो पता होगा क्या क्या था वो हैबिटेट लॉस

टू फाइव टू टेन है ना चलो जी देखते हैं कब खत्म कर सके हैं? हम लोग हंड्रेड क्वेश्चन रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रेन फॉरेस्ट आर फॉरेस्टरिंग ट्रॉपिकल फास्टली फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा यहाँ पे बच्चों ठीक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये फास्टली मतलब करेक्ट इंग्लिश नहीं है रैपिडली होना चाहिए समझ जाओ ठीक है Uh, from developing countries such as india no value is attached to these forest because these are in poor biodiversity these are poor in biodiversity theek hai to tropical forest kya kam hota ja raha hai developing countries jaiski india mein aur dusra statement keh raha hai ki in jagho mein biodiversity kafi zyada poor hai right काफी ज़्यादा poor है तो फटाफट से बताओ, in those statements me which one is correct and which one is wrong आई थिंक देर इज सम काइंड ऑफ लैग इसीलिए मेरे को चैट सेक्शन बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं दिख रहा है यस ओके नाउ आई कैन सी आंसर्स गुड जॉब गुड जॉब करेक्ट दिस इज द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट वन करेक्ट है देख के समझ में आ रहा है ये तो फिर से दो रुपए वाली क्वेश्चन हो गई है ना फिर बट स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट क्योंकि ये तो ये कोई बायो का क्वेश्चन कह नहीं सकता दिस इज जनरल नॉलेज है ना दिस इज काइंड ऑफ कॉमन सेंस चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एक्सिटू कंजर्वेशन इज यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन क्यों यूज किया जाता है एक्सिटू कंजर्वेशन नेटिव प्लांट स्पीशीज के लिए एक्सोटिक एनिमल स्पीशीज के लिए थ्रेटन एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज के लिए या बोथ वन एंड टू हां जी एक्सिटू कंजर्वेशन टू कंजर्वेशन किस लिए यूज होता है एक्स टू मतलब कौन बताएगा मुझे कंजर्वेशन एट देर ओन पर्टिकुलर है किस लिए होता है

हमारा यू नो एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है जो थ्रेटन है उन्हें हम लोग कंजर्व करते हैं एक्सिटू के अंदर भी हम लोग वही करते हैं ठीक है लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने कह दिया था एक्सी क्या है तो भाई इन आंसर ही बता दिया क्या मैंने हां जी कंजर्वेशन इन द नेचुरल हैबिटेट क्या हो जाएगा क्या लैग हो रहा है बच्चों, लैग हो रहा है क्यों नहीं दिख रहा है मुझे चैट सेक्शन हिलते हुए फटाफट पड़ से आंसर दे दो बच्चों इसका तो आंसर मैंने कह ही दिया था क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिस इज इन तिटू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज अगेन ये वाले है ऐसे क्वेश्चन जो रट्टा मार के ही याद रहता है है इसका कोई और समझना तो इसमें कुछ है नहीं दिस विच वन ऑफ दॉट इंक्लूडेड इन दी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया बता दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं और इनमें से ये जो चार नाम दिए गए हैं उसमें से एक नाम लेकिन गलत है बताओ वो कौन सा नाम है बता दो जरा वेस्टर्न घाट हिमालया इंडो बर्मन नॉर्थ इंडियन प्लेन कौन सा होगा प्रीति गीतांजलि फरहान नीलम फटाफट से हु आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट हो लैग है आई कैन अंडरस्टैंड यस इट इज नॉर्थ इंडियन प्लेन ये नहीं है करेक्ट आंसर गुड जॉब गुड जॉब नीलम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आप लोग एक काम करो यू राइट फिफ्टीन एंड देन राइट द आंसर मुझे समझ में आएगा कि ये पिछले वाले का तो आंसर नहीं दे रहा है मुझे लग रहा है आप लोग गलत आंसर दे रहे हो बट देर इज सम काइंड ऑफ लैग तो मुझे लग रहा है कि मे बी इस वाले का आंसर अभी दे रहे हो आप लोग ठीक है फटाफट फड़ से आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखोगे आंसर लिखोगे ठीक है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया आर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल झपाटा है, ठीक है झपाटा, फिर भी मैं आप लोगों का इंडिया आर in ये एक पीवाई क्यू भी है बच्चों। इसीलिए मैं इसको उठा के लाई हूं ताकि आप लोगों से करवाओ ठीक है सी आई थिंक थ्री ओके तो भाई ये क्वेश्चन आया है पहले क्वेश्चन पहले आया है एंड वहां पे तब आंसर था थ्री ठीक है तब आंसर था थ्री बट अभी एक्स्ट्रा एक और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऐड हो गया है सो नाउ इट इज फोर इन नंबर तो अभी अभी अगर आप लोगों को क्वेश्चन आए और उसमें फोर ना हो देन यूल आंसर थ्री तो जो भी थ्री को आंसर देगा अगर उनको बोनस मार्क देना होगा तो जिन 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 बच्चों ने भी थ्री मार्क किया है उनको बोनस मार्क मिल जाएगा करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज फोर लैंड एक्स्ट्रा एक ऐड हो गया है ठीक है अपार्ट फ्रॉम लैंड वेस्टर्न घाट हिमालय एंड इंडो बर्मा ये चार मिला के हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है अभी ठीक है ठीक है यस न्यू न्यू एनसीआरटी में फोर है बट हमारे पी क्यूज में ये पूछा गया है एंड वहां पे आंसर थ्री था तो अभी क्या पता फिर से पूछ लिया जाए एंड बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग थ्री मार्क करके ना आ जाए दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों मैं ग्रीन से भी लिख देती हूँ क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा बाद में सो द करेक्ट आंसर इज फोर ओके द करेक्ट आंसर विल बी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिलेक्ट द पेरेंट ऑफ सेडिमेंट्री बायो जियो केमिकल साइकिल सेडिमेंट्री मतलब अर्थ क्रस्ट में कौन सा बायो जियो साइकिल चलता है क्या वो नाइट्रोजन साइकिल है कार्बन फास्फोरस या सल्फर ये चारों में से कोई दो है फटाफट -फड़ से बताओ बी होगा सिक्सटीन का बी होगा सिक्सटीन का हम्म सिक्सटीन बी सिक्सटीन बी अरे सब बी कह रहे हैं बी है क्या आंसर जी, जो क्रस्ट में होता है गुड जॉब गुड जॉब एवरीबॉडी क्वेश्चन थोड़े ऐसे पढ़ने वाले क्वेश्चन फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कौन बताएगा सबसे पहले my आईज आर ऑन द चैट सेक्शन बताओ the ऑफ द फॉलोइंग Quantity ऑफ biomass इन अ trophic लेवल एट अ particular

सक, is success, मतलब, लो, एक area है जहां पे कुछ लाइफ नहीं है तो सबसे पहले वहां पे लाइक धीरे, -धीरे सक्सेशन होगा धीरे धीरे एक लाइफ पूरा उधर इक्विलिब्रियम uh, में सेटअप होगा मान लो वो डिस्ट्रॉय हो जाए सारे पेड़ों में आग लग गया मतलब कुछ डिफॉरेस्टेशन हो गया बट ऑलरेडी वहां पे ग्रास या नीचे के ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्मी प्रेजेंट थे है ना ओके okay, आपको पता था गलती से लिख दिया आपने जी तो भाई क्या होगा आंसर सी क्यों लिख रहा है सब लोग सी नहीं होगा बच्चा दिस विल बी टू द एनर्जी कंटेंट इन द ट्रॉपिक लेवल इज डिटर बाई कंसिडरिंग अ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन दैट ट्रॉपिक लेवल फ्यू स्पीशीज होगा क्या

गुड सिंधु नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताओ मुझे स्टडी द पिरामिड गिवन इन द फिगर एंड फाइंड द एनर्जी रीचिंग एट द टॉप लेवल यहाँ पे पचास हजार जूल है यहां पे एनर्जी कितना है जरा बताओ मुझे टॉप वाले में टॉप वाले में एनर्जी कितना है फिफ्टी थाउजेंड नीचे है फिफ्टी थाउजेंड टॉप वाले में मुझे बता दो जरा ठीक है ये सबसे नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल है एंड द हाइस्ट ट्रॉपिक एटीन का होगा बी बी माने ये वाला कोई कह रहा है ये चलो ग्रीन से मैं मार्क कर ही दूंगी तो फिर लगेगा कि हाँ जी मैम ने इतने सारे मार्क कर रखे हैं कोई कह रहा है फिफ्टी कोई कह रहा है फाइव हंड्रेड तो बच्चा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कितना एनर्जी पास ऑन होता है ओनली टेन परसेंट तो भाई यहां से जो ऊपर के लेवल पे ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा तो बस उसका टेन परसेंट ही जाएगा तो कि, कितना होगा ये फाइव थाउजेंड राइट इसके ऊपर इसका टेन परसेंट ही जाएगा इट विल बी फाइव हंड्रेड इसके ऊपर इसका टेन परसेंट तो ये बस फिफ्टी ही होगा सो द आंसर इज फिफ्टी जूल ओके okay? हम लोग कुछ खाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह तो उसका सिर्फ दस परसेंट ही हमारे पास बॉडी में एज एनर्जी आता है राइट right? सो so, हमारा इधर आंसर होगा फिफ्टी जूल समझ में आया गुड जॉब एवरीबॉडी गुड जॉब प्रीति नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सिलेक्ट द इनकरेक्ट फूड चेन ये तो इजी है इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से ग्रास ग्रास फ्रॉग स्नेक ईगल फाइट प्लैंगटॉन स्मॉल फिशे लार्ज फिशे

चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी पहुंच गए हम लोग इतनी जल्दी the कौन सा लॉ एक्चुअली फॉलो करता है कि जो सन से आता है एनर्जी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में जाता है और वो एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है वो कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है या फिर फॉलो करता ही नहीं है द करेक्ट आंसर इज

फरहान क्या ये आप लास्ट लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो सा लैग है सहर फतिमा वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तुम बहुत सारे थ्री लिख के भेजी है एंड एवरीवन इज सेइंग थ्री एंड दिस इज द करेक्ट आंसर दैट इट इज फूड गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स ठीक है एग्जाम है और लाखों बच्चे पीछे पड़े हुए हैं बाईस तेईस लाख बच्चे जबकि एक डेढ़ लाख ही सीट अवेलेबल है ठीक है एंड दे कैन अवॉइड कॉम्पिटिशन बाई चूजिंग डिफरेंट जरा ट्वेंटी टू 22 इज एन इजी क्वेश्चन बता दो जरा दो स्पीशीज है एक साथ रह रहे सब लोग क्या कह रहे हैं आंसर आंसर होगा सी अच्छा देख लेते हैं उसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग बट वो किसने दिया था गरियाश गरियाश इज करेक्ट दिस टाइम एंड फुरान इज आल्सो करेक्ट दिस टाइम इट इज गिवन बाय मैकथोर Resource partitioning. Resource partitioning तो बट ये गॉस साहब ने दिया था या मैकऑथर साहब ने दिया था उसमें हो गया था आप कंफ्यूज देख रहे हो साइंटिस्ट का नाम किस तरीके से काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है दे डोंट आस डेक्टली क्वेश्चन बट ऐसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ देते हैं कि भाई साइंटिस्ट का नाम नहीं नहीं पता होगा तो आपका आंसर निकलेगा क्योंकि ये पता है हमें रिसोर्स पार्टीशनिंग ये कॉमन सेंस भी लगाएगा कोई थोड़ा सा दिमाग भी लगाएगा थोड़ा वर्ड का मीनिंग खोजने का भी ट्राई करेगा मतलब तुक्का मारने के लिए तब भी रिसोर्स पार्टीशनिंग शायद उनको पाले पड़ जाए बट वो गौस साहब थे ये मैकाथर साहब थे वो जो रट्टा मार के आएगा जो वो चैप्टर पढ़ के आएगा उसी को पता होगा चलो ट्वेंटी थ्री इन द सेम एरिया दे इवॉल्व टू बिकम मोर डिफरेंट इन ऑर्डर टू वो लोग और इवॉल्व होते हैं थोड़ा और अलग होने होने का कोशिश करते हैं क्यों क्या करने के लिए ड्राइव द अदर दीज एक्सटिंकशन इस ये वाले स्पीशीज को तो चलो एक्सटिंक्ट करवा देते हैं ठीक है यूज दी अदर स्पीशीज रिसोर्स दूसरे स्पीशीज का सारा रिसोर्स खत्म कर देते हैं ठीक है रिड्यूस कंपिटिशन रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन बताओ जरा यस यू पीपल आर करेक्ट अगेन कम्पिटिशन कम करवाने के लिए ये कैसे उठपटांग से ऑप्शन दे रखे हैं देख के हंसी आ जाएगा बच्चों को है ना चलो ये है टू रिड्यूस कंपटीशन ऑब्वियसली कोई अपने लिए कंपटीशन थोड़ी बढ़ाना चाहता है और हम हम uh, इंसानों जैसा थोड़ी ना है बाकी के एनिमल्स दे आर नॉट एनवियस टू एनी वो भूखे रहते हैं तभी शिकार करते हैं तभी खाते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ इस फलाने स्पीशीज को एक्सटिंग करवा दे है ना दे डोंट यू नो स्ट्रेटाइज एंड प्लॉट थिंग्स लाइक ह्यूमन डू क्वेश्चन ट्वेंटी Exponential growth ग्रोथ observed ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन वेन कब होएगा होगा एक्सपोनशियल खतरनाक इन आर अनलिमिटेड जब खाना पीना हर एक सुविधा अनलिमिटेड हो जाएगा तब या फिर हर एक स्पीशीज हैज एबिलिटी टू रियलाइज इट्स फुल इन इट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर ये होगा बच्चों करेक्ट आंसर ये आप उस चैप्टर में खोल के देखोगे तो ये एक लाइन के बाद ही दूसरा लाइन एक साथ है उसी चैप्टर में है ना स्टेटमेंट्स आर करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ पॉप्यूलेशन पर बर्थ रेट इज जीरोड वैल्यू ऑफ आर निकालना है हमें जो कि है इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बताना है हमें बच्चों आर कैसे निकलेगा आर निकलेगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जीरो पॉइंट वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट कितना आता है बच्चों बता दो जरा ये माइनस करके कितना आ रहा है Yes. इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से यहां से और भी ये लोग ये तो बहुत इजी सा था बट ये लोग और भी बहुत मजेदार तरीके के आपको आ, ये बना के दे सकते हैं व्हाट यू कॉल इट सम वाले कैलकुलेशन वाले आ, टाइप के क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं good job yes everyone is saying 0.07 read the following acha read the following statements about adaptation of desert plants and select the correct ones okay read the following uh, statements on adaptations sorry but show here print huga of desert plants and select the correct ones Batao. they have thick cuticle on their leaf surface they have stomata present in deep sunken peats they use cam pathways for photosynthesis they have flattened stems and large sized leaves their stomata remains closed during the day bata बताओ नॉट क्लियरली विजिबल ऐसा कैसे भाई अभी विजिबल करवा देते हैं किसे था विजिबिलिटी का प्रॉब्लम फरहान सिंग आई थिंक इट्स फोर बेटा आई थिंक होने से नहीं होगा आपको श्योर होना पड़ेगा वरना आप चार नंबर हो सकते हो या फिर माइनस वन लगा सकते हो नॉट क्लियरली विजिबल बेटा आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी प्रॉपर हियर ऑलरेडी क्योंकि बाकी बच्चे देख पा रहे हैं जस्ट अ सेकेंड इंक्रीज रिजोल्यूशन इन योर सेटिंग्स कह रहे हैं बच्चे क्योंकि बाकियों को नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो शायद आप थोड़ा अपना रिजोल्यूशन ठीक करा दो आई एम श्योर ना फरहान हो गया है श्योर sure, तो कमाल आ जाओ बच्चों नीलम गीतांजलि हरियश एवरी वन हुआ सहर एवरीबडी कम मुझे लगता है ये है सिर्फ गलत है ना आप लोगों को क्या लगता है ओनली दिस इज गलत दे है लार्ज साइज लीज अभी वो पागल थोड़ी ना कि लार्ज साइज के लीव्स बना के ऐसे बैठे रहेंगे डेजर्ट में ताकि सारा धूप मेरा हवा मतलब मेरा पूरा का पूरा पानी चूस ले दिस इज गलत अपार्ट फ्रॉम दिस सारे के सारे करेक्ट है है ना वन टू थ्री फोर के अलावा फिफ्थ सब सही है स स कर देने लग गई मैं ठीक है गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन हैज पाइन लाइक लीव्स व्हिच हेल्प्स इट Punisia has spine-like leaves. What does help? Who will tell Good job, Shreya is the first one this time. It is to reduce the rate of transpiration. Good job. Next question. Question number twenty-eight. Dash dash. Rule states that mammals from colder climates. जनरली है शॉर्टर इंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस बताओ कौन सा रूल कौन सा रूल है ये एल yes, एन जी कहते हैं कि भाई जो ठंडी वाली जगह है वहां पर ये सारे लिम्स और यर्स छोटे छोटे हो जाते हैं ताकि बॉडी को वार्म रखा जाए सर्फेस एरिया कम हुआ <laughs> किया जा सके है ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन बायोपेटेंसेंट हम लोगों ने पढ़ा था राइट बायोटेक्नोलॉजी में कि बायोलॉजिकल पेटेंट जो है उनका क्या काम है इन चारों में से राइट टू यूज इन्वेंशन राइट टू यूज प्रोडक्ट मतलब ये सारे रूल्स एमेंड होते हैं बायोपेटेंट जब किसी भी चीज के ऊपर मिल जाता है नेक्स्ट राइट टू यूज बायोलॉजिकल एंटिटीज राइट टू यूज प्रोसेस फर्स्ट वन टू आंसर वन टू थ्री फोर सबके शब्द करेक्ट है आई डी एच आर लिखा है मतलब क्या बच्चा वन ओ नंबरिंग गलत है हां जी ये नंबरिंग क्या कर दिया इन्होंने चलो चलो ठीक करते हैं इसे वन टू थ्री एंड ये है फोर ठीक है ये है फोर एंड फोर है करेक्ट ओके okay? बच्चा फोर इज द करेक्ट वन सारे के सारे बायो पेटर्न आपको पेटर्ट मिल जाएगा किसी भी चीज के ऊपर तो जो भी राइट होंगे उस चीज को लेके यू विल हैव इट ओके उस चीज को लेके कोई दूसरा चीज इन्वेंट नहीं कर सकता उस चीज को यूज करके कोई प्रोडक्ट बना के बेच नहीं सकता यू विल हैव द राइट आप परमिशन दोगे तो वो बनाएंगे और वो बना के अगर वो सेल करता है तो उसका भी एक लॉयल्टी आपको देना पड़ेगा इफ यू हैव द पेटेंट ठीक है वो सारे के सारे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी तीस क्वेश्चन अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग फटाफट से बता दो विच वी ऑफ राइस Was patented by a U.S. company, even though the highest number of varieties of the rice are found in India. Good job! Answer ka jaise ki gaya hai na Basmati bhas, rice ka. Chalo ji, number three is the correct answer. Next question. Thirty questions completed. Good job, everyone. Next. Chalo another thirty. Another thirty. Identify the product A in the given figure. अरे ए ये है आ, 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 अच्छा 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 यहाँ हो गया है गड़बड़ ये है एक चीज और ये है दूसरा चीज दूसरा धागा और ये बीच वाला चीज है ये ए और ये ए क्या है ए क्या है बच्चों चलो और एक क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुल प्रो इंसुल के प्रोसेसिंग के टाइम पे इंटू अच्योर इंसुलिन बनाने के टाइम पे भाई क्या किया जाता है सी पेप्टाइड को ऐड किया जाता है सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है बी पेप्टाइड को ऐड किया जाता है बी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है फ्रॉम प्रो इंसुलिन गुड जॉब एवरीवन इज गिविंग द करेक्ट आंसर सी पेप्टाइड को रिमूव करते हैं हम लोग तब उभरता है एक मैच्योर इंसुलिन कभी भूलने का नहीं ये क्वेश्चन मुझे बड़ा गट फीलिंग्स आ रहा है कि ये पूछा जाएगा इस बार भी क्वेश्चन नंबर 33 बीटी टॉक्सिन जीन Have been expressed in plants in order to provide resistance against Lepidopterans and fungi, animals and bacteria, bacteria and fungi, Coleopterans and Dipterans, Lepidopterans. Hanji, I will So, that you can answer? Again. Beetles, worms, these things are गुड जॉब एवरी वन इज गिविंग द करेक्ट आंसर ये होगा फोर एंड फाइव मतलब एंड डिप्टेरेंस और लेपिडोप्टेरेंस इरेडिकेट करते हैं राइट यस बीटी टॉक्सिन का जीन गुड जॉब गुड जॉब एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर सिलेक्ट द करेक्ट मैच करेक्ट मैच यहाँ पे कौन सा है भाई करेक्ट मैच कौन सा है क्राई वन जीन क्राई वन एसी जीन कॉटन बॉल वॉम क्राई टू ए बी जीन कॉन बोरर के लिए क्राई वन ए बी जीन कॉटन बॉल वम के लिए हाँ ये तीन ऑप्शन है बताओ बताओ आप कौन सा सही है श्रेया बोल रही है ए मतलब इतना सारा ए लिख दिए वो सुपर कॉन्फिडेंट है प्रीति भी कह रही है ए श्रेया फिर से कह रही है एनली एनली वो एकदम कुनाल भी बहुत सारा ए लिख के भेज रहा है हाँ हमारी गीतांजलि भी तीन ए लिख दी है इतना वजन ए वाले आंसर पे तो भाई यस करेक्ट आंसर सिर्फ यही है सही जवाब yes. बाकी के कॉर्न टू ए बी दीज आर कॉर्न दैट इज ऑल्सो फॉर कॉटन बॉल एंड क्राई वन ए बी इज फॉर कॉर्न बोर्डर, नेक्स्ट बीटी टी आर बीटी टी आर किस तरीके के वो केमिकल नेचर है बीटी टॉक्सिन का बताओ जरा इंट्रासेलुलर लिपिड होते हैं इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन या इंट्रासेलुलर पॉलीसेकेराइड बी चलो डॉक्टर कैरियर डॉक्टर कैरियर कह रहा है बी होगा ये क्या कहते हो आप लोग कुणाल कह रहा है बी गीतांजलि नीलम खुनाल यादव बहुत सारे बी वो तो पूरा वजन के साथ बी लिख रहा है श्रेया तो एकदम भरपूर कैपिटल में बी लिख दे रही है भाई ये सही जवाब है है नेचर का होता है जो उस यू uh, नो you know, उसकी खुद के बॉडी के अंदर इट बिकम टॉक्सिक बट एवर इट इज इंजेस्टेड बाय वॉट कॉटन बॉलवॉर्म्स वहां पे जाके दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन बिकम्स

हम्म um, कोई कोई गलत आंसर भी दे रहा है बट ए इज द करेक्ट आंसर एपिकल्चर क्या होता है मुझे फटाफट से चार सेक्शन में बता दो एपिकल्चर एपिकल्चर इट इज कीपिंग बीज राइट बी का कल्चर होता है यू you नो know, अभी रिसेंटली लोकेश सर जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनके घर में बी ने पूरा हमला कर दिया घमसा पूरा वो बेचारे सारा डोर विंडो बंद करके रूम में छुपे बैठे थे काफी टाइम ठीक है मैं अभी ये क्लास खत्म होने के तुरंत बाद भेजूंगी वो दृश्य जब पूरे बी ने हमला कर दिया था उनके घर पे ठीक है करेंगे चलो ये सेशन खत्म होने के तुरंत बाद आपको दिखेगा वो वीडियो जहां पे पूरा बी ने हमला कर दिया था उनके घर पे ठीक है Uh, हमारे टेलीग्राम चैनल पे नीट वन टेलीग्राम चैनल जरूर से जाके सब्सक्राइब करना आई शेयर वीडियो देर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इंक्लूड्स एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इंक्लूड्स व्हाट एग्रोकेमिकल नाम में ही है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इंक्लूड्स वॉट यस

it has not succeeded in making india totally and permanently self-sufficient in food use of agrochemical becomes very expensive for indian farmers as well as those uh, have harmful effects on the environment increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding and yeah for all of these yes but all of these Hannah uh Kisari reasons सही है बच्चों आराम से पढ़ना आराम से सारे क्वेश्चन पढ़ना एंड मेक श्योर की आप लोग ना आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आप एक्साइटेड हो जाओगे अरे ये तो मुझे पता ही है पहला वाला ही देख के टिक मार के उसका ओ एम आर मत भर देना क्योंकि लास्ट में क्या पता दो तीन और करेक्ट हो या फिर ऐसा हो कि चलो ये करेक्ट है और वन करेक्ट है और लास्ट में दिया गया है कि वन एंड थ्री है ना तो सारा का सारा पढ़ना मेक श्योर यू रीड ऑल एंड फिली लेटर विद फुलशिय रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोव ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसमें होता है बताओ जरा यस इट इज बायो रिएक्टर गुड जॉब स्लज डाइजेस्टर क्या था वो कहां यूज होता था बच्चों फटाफट से बताओ स्लज डाइजेस्टर स्लज डाइजेस्टर वॉज यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल ट्रीटमेंट है ना यहां पे नहीं चलो नेक्स्ट है, इतना sure इतना उस दिन पैनिक करेगा बच्चा, इतना उस दिन दिन करेगा बच्चा, से भड़ा होगा कि ऐसे questions भी गलत कराएंगे इसीलिए आई वांट यू टू आंसर दिस लिटिल बिट ऑफ शांति धैर्य आंसर दिस सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आने से ना लिखना शुरू कर देना टी ए जी सी टी ए सी कहाँ है भाई थोड़ा सा लिख के ही समझ में आ जाएगा टी ए ए सी टी ए सी यहाँ पे है पर हमें अभी टिक मार्क नहीं करना है पहले हमें ये भी देखना है थ्री प्राइम फाइव प्राइम है ना हाँ जी यहाँ पे थ्री प्राइम होगा यहाँ पे फाइव प्राइम होगा दिस इज हाउ आर गोइंग टू आंसर ओके Easy है मतलब यहाँ पे क्या वो लोग गड़बड़ कर सकते हैं पता है टी ए ए सी से शुरू होने वाला या फिर सेम ये एग्जैक्टली exactly सेम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे बट यहाँ पे फाइव प्राइम लिख देंगे यहाँ पे थ्री प्राइम लिख देंगे और जल्दबाजी में बच्चा वो टिक मार करके आ जाएगा चलो इसको हटा देते हैं वरना इस पीडीएफ में बच्चों को समझ नहीं आएगा मैम ने किसको टिक किया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड से ब्रोमाइंड करने से क्या कलर दिखता है हम लोगों को व्हाट कलर डू सी व्हेन यू यूवी रेडिएशन अपीयर्स एज व्हाट? शी बोला मैंने सी को शी बोला बताओ जरा सी आंसर भी सी निकला यस ब्राइट ऑरेंज बैंड होता है बच्चा हमेशा याद रखना इथीडियम ब्रोमाइड एज ब्राइट ऑरेंज कलर इथीडियम ब्रोमाइड ब्राइट ऑरेंज कलर सेलेक्ट द मिसमैचड पेयर कौन सा मिसमैचड है मिसमैचड मिक्स मैचड मिसमैचड वो नेटफ्लिक्स uh, का सीरीज नहीं यहां पे कौन सा मिसमैचड हो रखा है वो बताओ बी मिसमैच हो रखा है श्रेया कह रही है बी वो भी कैप्स में वो भी तीन तीन बार लिख के हाँ जी हाँ तो फिर हम तो डर गए श्रेया कह रही है तो करना पड़ेगा ये है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिस इज रॉन्ग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या था एलाइजा इफ यू रिमेम्बर है ना बाकी दोनों सही है ठीक है ये है गलत मिसमैच ये था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर जिन घन मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर फॉलोइंग्वायर्ड फॉर जीन गीन ट्रांसफर जीन गन के लिए कौन सा जरूरी होता है माइक्रो पार्टिकल्स माइक्रोपिपिड डाइवेट या यूवी रेडिएशन्स इसका और एक नाम भी है बच्चो माइक्रोपिपिड वी नीड माइक्रोपिपिड फॉर द जीन गन मैथड okay next question micro injection is a method used to similar question about your same same upk chapters a question hai, purify the dna micro injection micro injection is a method used to produce sticky ends provide protection against pathogen purify the dna inject recombinant dna into the nucleus of an animal cell हमेशा माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो नीडल ये सारे शब्द से आपको समझ में आना चाहिए कि ये यूज करके कुछ हम लोग रख के आ रहे हैं आप लोग अगर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जीन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अगर पढ़ते हो तो वहां जाके वो क्या कर रहा है? स्पर्म को रख के आ जा रहे हैं आराम से है ना तो वो रख के आने का काम करता है हमारा माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो पिपेट चलो

गोल्ड एंड टेवी मेटल्स है और कोई मेटल ही यूज किया जाता है इन सब के लिए जीन गन के लिए बैलिस्टिक मेथड जो है चौरा सा क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर वन है कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन इन ओके क्लोनिंग वेक्टर में रिक्वायर्ड टू हैव बहुत कम है एक ही होना चाहिए चलो ये तो मुझे सही लग रहा है ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है भाई ये सही बोल रहे हैं ठीक है स्टेटमेंट नंबर टू क्या है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन अ क्लोनिंग वैक्टर विल जेनरेट सेम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग ये भी सही बता दिया उसने मतलब एक वैक्टर है उसमें खोलने का जगह एक ही हो तो बेटर है वो पहले कहा है कि वही होना चाहिए और ज्यादा अगर हो जाए तो फ्रेगमेंट हो जाएगा हमारा वेक्टर सही बात है है ना तो क्या होगा आंसर सब कह रहे हैं ए ए में वही लिखा है क्या यस नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवन इन पीबीआर 322 थ्री ट्वेंटी टू जो है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हैज रिकॉग्निशन साइट्स for which of the following restriction endonuclease यहाँ पे क्या होता है ये भी रट्टा वाला क्वेश्चन है पर ये रट्टा अलग टाइप का है दिमाग में वो फोटो चप जानी चाहिए pbr 322 का तब आके आपको ये आंसर आएगा यस गुड जॉब गुड जॉब एवरीवन बै मैच 1 है ना समझ में आ रहा है ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये समझ ही नहीं आया you can raise your hand in the chat section में इसे ठीक है? है है चलो, मुझे दिख रहा रहा कि कि हर एक बच्चा सही से आंसर दे आपको समझ आ रहा होगा okay? एक बार में करेक्ट आंसर आ रहा है हर एक बच्चे से चलो ठीक है समझ गए इन 322 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कौन से रिकॉग्निशन साइट पे है चलो फॉलोइंग बहुत ईजी सवाल ये तो बस अठी वाली सवाल है एक रुपए वाली भी नहीं दो रुपए वाली भी नहीं बता दो जरा फटाफट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वैक्टर क्लोनिंग वैक्टर कौन सा है लाइगेज तो वो लाइगेट करने का यूज होता है सेल वन और ये ए एम पी आर वन दीज आर साइट ऑन ट क्लोनिंग वैक्टर बट ये क्लोनिंग वैक्टर हमारा पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन फटाफट से बताओ मैच कॉलम टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गि बताओ कॉलम वन कॉलम टू फटाफट से मैच करो सेपरेशन ऑफ डीएनएको आर वन एंड पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू यहां पर है आर्टिफिशियल प्लाज्मेड सेलेक्टेबल मार्क इलेक्ट्रोफोरसिस इकोलाय आर वाई थर्टीन सी होगा फटाफट से बता दिया जा, जाए जरा यस करेक्ट नीलम तो हजार बार लिख दी है कि इट विल बी थ्री यस इट इज ऑप्शन नंबर थ्री किसी को कोई शक कुछ समझ नहीं आ रहा है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है इट इज अलेक्टेबल मार्कर है ना सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट किस तरीके से होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू होता है ठीक है इको आर वन ये होगा यहां से लिया जाता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दी पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू क्या है आर्टिफिशियल प्लाज्मेट है एक सेकेंड बच्चा हेलो एक सेकंड बचा एक सेकंड कहां अ कैन आई कॉल यू आफ्टर वन आवर फोर्टी नाइन नेक्स्ट फिफ्टी द जीन आर ओ पी प्रेजेंट इन पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू क्लोनिंग बैक्टर कोड फॉर ये क्या कोड कटा है आर पी फटाफट से बताओ आरोपी का डेफिनेशन अगर आपको याद हो वो पीबीआर 322 वाला जो डायग्राम है उसी के नीचे बस लिखा है टेक्स्ट में कहीं नहीं है फटाफट से बताओ इसका आंसर कौन बताएगा मुझे ट्वेंटी टू योटी गुड जॉब एवरी वन फटाफट से बताओ How many fragments will be generated on digestion of a closed circular DNA molecule with a restriction enzyme having six recognition sites on the DNA? Batao, Batao gariyash. I would say which, uh, how many? Sorry, how many uh, fragments will be made? Where uh, six restriction, a uh, sixth recognition, yeah, restriction sites. Ho, a circular DNA. Me. तो कितने भाग होंगे उस सर्कुलर डीएनए के फटाफट फड़ से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन कितने फ्रेगमेंट होंगे बाबा बता दो जरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह टुकड़ों में बटा है ये तो कितने पीसेस होंगे यही देखो आई न्यू पीपल विल आंसर सेवन ये सेवन नहीं हो सकता आप इसे कड़के देखना अगर ये स्ट्रेट होता स्ट्रेट होता और उसे आप तोड़ते इन सिक्स पार्ट तो सेवन होता बट अगर है तो हम मैंने छह पार्ट में इसे तोड़ा देखो कितने पार्ट है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये ना जल्दबाजी में आंसर दे देंगे बच्चे इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि अगर ये लंबा सा है लंबा सा है इसे छह पार्ट में डिवाइड करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो देखो सेवन पार्ट्स बनते हैं है है ना चलो जी आगे बढ़ते हैं okay, identify A, B, C and D, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा फ्लो चार्ट गिवन बिलो दिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी यहां पे ये है ए मान लो यहाँ पे ये है बी ये है सी एंड यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है हमारा बी ए बी सी डी चलो अभी ए बी जूम जूम यहां पे नहीं होगा बच्चा ये मतलब ये डायग्राम देख लो ठीक है डायग्राम तो सही से दिख रहा होगा आई एम श्योर ए बी सी डी बताओ कौन सा कौन सा है ए बी सी डी बताओ ठीक है अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर बी रेस्ट्रिक्शन एक्सडोन्यूक्लियर सी डी एन ए लाइगे डी ट्रांसफॉर्मेशन ये सारे ऑप्शंस है बताओ बी होगा करेक्ट आंसर गुड जॉब नीलम देखो ए है यहां कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस बी भी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है सी डीएनए लाइगेज रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस यहां पे कट कर रहा है ना यहाँ भी कट कर रहा है कहां कर रहा है न्यूक्लियस में एंडो न्यूक्लियस ही होगा इसलिए है ना और यहां पे जोड़ रहा है सी सो दिस विल बी लाइगेज सॉरी यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्म डीएनए है उसको घुसाया जा रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इट विल बी डन बाय ये दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ये है नंबर टू ठीक है दिस विल बी द करेक्ट आंसर अंडरस्टूड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री सो सॉरी इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने के चक्कर में ये सारे थोड़े ऐसे ऐसे से हो गए बट दिस इज योर सीवेज डिस्पोजल वाला ट्रीटमेंट ठीक है सीवेज डिस्पोजल फटाफट से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री बताओ द गिवन फिगर रिप्रेजेंट टिपिकल बायोगैस प्लांट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली बताओ जरा कौन सा करेक्ट है ए बी सी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ए बी सी ठीक है सी ए इज द इनलेट फॉर कैटल डंग ये इनलेट है क्या फॉर कैटल डंग सी इज द आउटलेट फॉर रिलीज ऑफ बायोगैस यहां से बी इज द चैम्बर विच कंटेन्स लेफ्ट ओवर स्लरी ये ऑल ऑफ डीज कौन सा सही होगा यहाँ पे ए सही होगा ए इज द इनलेट फॉर कैटल दंग बस ये सही है बाकी सारे गलत है सी इज या आउटलेट फॉर यहाँ से थोड़ी ना आउटलेट है आउटलेट तो यहाँ से है बी इज द चैंबर विच कंटेन्स लेफ्ट ओवर स्लरी यहां पे नहीं यहाँ पे है लेफ्ट ओवर स्लरी है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर से जो भी आपको दिख रहा है कौन सा फॉर्मेंटिंग प्रोसेस से बन रहा है फटाफट से बताओ जरा कौन सा फॉर्मेंटिंग प्रोसेस फॉर्मेंटेशन से उसको गला सरा के बनाया जा रहा है इनमें से कौन सा बताओ बताओ जरा सब yes, इनमें से सारे के सारे ए बी सी डी इडली डोसा टोटी चीज ये आप अगर पढ़े तो आपको पता होगा सारा का सारा फॉर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, 55. बताओ जरा, milk, बताना है आपको फटाफट फ़ड़ से बताओ मिल्क इज इनक्यूबेटेड विथ कार्ड उसके बाद ग्रोथ ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ x यहाँ पे है x यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है आपको बताना है Improved nutritional quality due to increased y क्या increase हो जाता है? जाता है है जिसकी वजह से का बढ़ उसके बाद coagulation and digestion of milk protein होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस है x एंड y क्या है बताओ सारे लोग कह रहे हैं सी तो भाई एक्स लैक्टिक एसिड क्या हाँ बी है है विटामिन बी ट्वेल्व यू पीपल आर करेक्ट विटामिन बी ट्वेल्व बढ़ जाता है इसलिए इसका न्यूट्रिशनल एक्टिविटी बढ़ जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है सॉरी ठीक है 56 अ ड्रग यूज्ड फॉर ए इज ऑप्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बी ये सारे डिजीज को क्योर करने के लिए कोई ड्रग बनता है वो इन सारे ऑर्गेनिज्म से मिलता है बी ठीक है तो कौन सा सही ऑप्शन है बताओ ठीक है करेक्ट B. B अच्छा, ये, ये ऑप्शन सा गलत है करेक्ट ऑप्शन फटाफट से डी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट ट्राइकोडर्मापोलिस्पोरम वेरी गुड साइक्लोस्पोरम ए प्रोड्यूस करता है राइट right? एंड ये इम्यूनो सप्रेशन जैसा काम करता है जिसकी वजह से ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हो, हो पाता है तो सो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम इज द करेक्ट आंसर स्टेटिन यूज फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेटिन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक ड्रग है वो कहां से मिलता है वे डू वी गेट इट फ्रॉम फटाफट से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी बताओ जरा Bacteria. It is D D D D. Yeast Question number 57 is 4. It is yeast. Okay. Yeast semilta statin. Next question 58. Monascus purpureus Is the yeast commercially used in the production of? Yeast commercially used in the production of what? अभी तो अभी लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है ये बताओ जरा साइट्रिक एसिड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टेटिन्स ट्रेप्टोनीस फॉर रिमूविंग क्लॉथ फ्रॉम ब्लड वेसल्स या इथेनॉल बताओ जरा इथेनॉल क्यों लग रहा है आप लोगों को नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और ये एक ही है बच्चा ये ही तो क्वेश्चन था ये इसका नाम ही है यस, देखो मुझे मुझे लगा सारे बच्चे कहेंगे मैम ये तो आपने सेम क्वेश्चन दे दिया पर यहां तो मेरे बच्चे गलत कर बैठे हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 159 विच अमंग दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ बताओ देखो डिस्टिलेशन करने से उसका अल्कोहल का परिमाण बढ़ जाता है अल्कोहल कंटेंट इंक्रीज हो जाता है ठीक है विच ऑफ दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ फर्मेंटेड ब्रॉथ का डिस्टिलेशन करके कौन-कौन सा चीज बनाया जाता है डी आप ठीक है डी कह रहे हैं सब लोग वन फोर क्योंकि बियर एंड रम हमेशा याद रखना बियर एंड रम सॉरी बियर एंड वाइन बियर एंड वाइन ऐसे बेवरेज है जिसको डिस्टिल नहीं किया जाता इसलिए उनका एल्कोहल कंटेंट uh, कम होता है ठीक है बच्चा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं ठीक है और कितने बचे मोर टू कंप्लीट वॉइस नहीं आ रहा है हेलो आ रहा है मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है या फिर मेरा वॉइस फट रहा है हेलो हेलो आ रहा है ठीक है <coughs> कभी कभी ऐसा होता है ना कि लैपटॉप का वॉइस आना तुरंत से बंद हो जाता है है आप उधर वॉइस में जाके क्लिक करो बी एबल टू अटक-अटक आ रहा अभी ठीक है <coughs> ये माइक में थोड़ी सी शायद मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है यहाँ पे जब पिच हाई हो जाता है तो ये लेना बंद कर देता Anyways, called, है एनीवेज द केमिकल सब्सटेंस बाय सम माइक्रोब्स व्हिच कैन किल और लास्ट है एंटीबायोटिक्स ये एंटीबायोटिक्स ऐसा चीज है जो माइक्रोब्स ही प्रोड्यूस करता है और दूसरे माइक्रोब्स को ही मार डालता है एंड वी विल बी डन विद एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट ऑफ कंप्लीट बायोलॉजी आई एम सो हैपी फॉर एवरी वन इज पार्टिसिपेटिंग चलो नेक्स्ट सिक्सटी वन चलो जी सिक्सटी वन देखते हैं लंबा चौरा सा क्वेश्चन है मैं थोड़ा हट जाती हूँ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक ठीक है पहला वाला है विथ विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द बॉडी टॉलरेंस बढ़ता है टॉलरेंस बढ़ता है या टॉलरेंस घटता है बताओ जरा रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स अगर हम लोग करें तो बॉडी के रिसेप्टर्स है वो तो रिसेप्टर्स में टॉलरेंस बढ़ जाता है कि और डालो मेरे को अगली बार से उतने में भी काम नहीं आएगा और डालो मेरे पास है ना तो भाई ये डिक्रीजेस डिक्रीजेस जहां लिखा है उसे तो पहले ही काट दो है ना तो क्या रहा हमारे पास दो और चार ये दो ऑप्शन ही बचा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू स्मोकिंग इंक्रीजेस डैश कॉन्टेंट एंड रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश इन ब्लड ओके कार्बन मोनोक्साइड कंटेंट सही है ब्लड <coughs> में सही बात है कार्बन मोनोक्साइड ऑक्सीजन अच्छा चलो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है फिर क्वेश्चन नंबर थ्री द रिसेप्टॉइड रिसेप्टर्स कहा प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में हार्ट में ये तो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं गया आंसर हमें है ना ये होते हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग ठीक है बच्चा सो वी गॉट द करेक्ट आंसर इट इज ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया सब लोगों ने

वन एंड टू गरियाश कह रहा है सिक्सटी टू गीतांजलि सिक्सटी टू ए भी ए कह रहा है आयुष जयसवाल इज सिंह डी मतलब फोर नीलम कह रही है डी यस द करेक्ट आंसर इज डी गुड जॉब बोथ वन एंड टू सेंट्रल नर्वस भी गेस्ट्रो इंटेस्टिनल भी बच्चा ठीक है इट इज ऑप्शन नंबर टू जॉब हीरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज क्या करीना कपूर हीरोइन कौन है क्या बोलते हैं हीरोइन को Co, crack, smack, C, को स्मैक भी कहा जाता है गुड जॉब एवरीवन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दो सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन बच्चा फटाफट से बताओ एसिटाइलेशन uh, कर दो अगर मॉर्फिन का तो क्या बनता है फटाफट से सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन यस करेक्ट करेक्ट इट इज हीरोइन गुड जॉब सबने सही आंसर दिया गरियाश नीलम आयुष गुड जॉब गीतांजलि क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव थोड़ा हट जाती हूँ बताओ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंड सिलेक्ट द इन करेक्ट वन यहाँ से इनकरेक्ट कौन सा लग रहा है आपको बताओ सिक्सटी फाइव लंबा सा क्वेश्चन है टेक योर टाइम पढ़ो अच्छे से और समझो और फिर आंसर दो सिक्सटी फाइव कौन सबसे पहले आंसर देता है लेटमी सी cancer detection is based on biopsy and histological studies of the tissues and bloods and bone marrow test. for increased cell counts in case of leukemia, kasei the cancer. Mein. biopsy mein kya hota hai? a piece of suspected tissue is cut into thin sections, is, uh, is stained, and examined under microscope by pathologist hanji yohota.

An MRI, magnetic resonance imaging, are very useful to detect cancer for of internal organs. Computer topography uses magnetic field and non and non ionizing radiations to detect physiological changes in living tissues. This is not correct.

बताओ इट वुड इट शुड बी फिजिकल कि कुछ चेंजेस पता चले सेल्स में ऐसे चेंजेस आए हैं जिससे कैंसर पता चले राइट right? चलो जी ये बताओ Which वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलर्जी द exaggerated response of ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन Present in the environment is called allergy. The substance that cause allergic reaction are called allergens. Correct hai? Allergy involves mainly IgA and IgG antibodies. Right? Question number four hai. Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from T helper cells. But that T 1 and 2. Which one of the following statements are correct about allergy? jiha Question number sorry. इसमें ये दोनों में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं दीज आर वेरी क्लियर है ना? चलो, 67, allergy allergy में क्या प्रोड्यूस होता है उसका उल्टा ही अगर तुम तभी तो एलर्जी के यू नो सिम्टम्स कम होंगे है ना तो क्या प्रोड्यूस होता है एलर्जी में वो अगर पता है इसका आंसर आपको तुरंत पता हो जाएगा सिक्सटी सेवन मैम ऑल आर पी क्यूज नो नो वेरी फ्यू अमांक आर पीवाई क्यूज अब बच्चो लेटमी टेल यू हम लोग कल शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी स्पॉटलाइट बायोलॉजी स्पॉटलाइट है Biology Spotlight. Biology Spotlight. ये जो पीवाई क्यूज का नाम लिया बच्चे ने उसी से मुझे याद आ गया कि बायोलॉजी स्पॉटलाइट हम लोग करने वाले हैं वी विल डिस्कस सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो बेसिक बेस बनाता है बायोलॉजी का वो चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर में मैं ऐसे पढ़ाने वाली हूँ कि भाई ये रिविजन तो हो जाएगा आपका आपको समझ आ जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं बट उसके साथ साथ आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा मेरा पी इस लायक होगा कि उसको अगर आप लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे पलटोगे पूरा का पूरा बायो कुछ ही घंटों में लाइटनिंग स्पीड में रिवाइज हो जाएगा तो सी यू ऑल टुमारो आल्सो एट 2 पीएम इट इज स्टार्टिंग एट 2 पीएम इसी टाइम पे शुरू होने वाला है कल भी ठीक है ठीक है फटाफट से खत्म करेंगे ऐसा नहीं है कि पांच छह घंटे का क्लास ले रहे हैं ठीक है इट विल बी अ क्विक सेशन बट इतना धांसू होगा कि आई कैन नॉट एम्फेसिस कल मोनिका मैम का भी क्लास है 2 से तीन या साढ़े तीन बजे तक बट डोंट वरी हमारा क्लास कभी क्लैश नहीं होगा क्योंकि सेम चैनल पे होता है तो क्लासेस आई थिंक मैम का बारह बजे से है तो उनका पहले ही खत्म हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्टी सेवन सिक्सटी सेवन बताओ जरा द ड्रग्स यूज टू क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर दिस वन आज है अच्छा आज कितने बजे है मैम का क्लास मैं देख लू जरा क्या वो जेडब्ल्यू वाले चैनल पे हो रहा है थ्री थर्टी अच्छा फटाफट -फड़ से कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोगों के क्लासेस ना छूटे ठीक है चलो सिक्सटी सेवन फटाफट से करते हैं ज्यादा क्वेश्चंस बाकी नहीं है

एलर्जी का नाम सुनते ही वो कौन सा एंटीबॉडी है जो मास सेल रिलीज करता है यस गुड जॉब एलर्जी एलर्जी का नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए ठीक है ये दो डायग्राम देखो द डायग्राम गिवन शोज द स्कल ऑफ टू डिफरेंट मैमल्स दो अलग अलग मैमल है दो अलग अलग स्कल्स है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग्यूरेटली डिस्क्राइबरेंस डिफरेंस दोनों का बताओ क्या है डिफरेंस स्कल बी इज

Match column 1 with column 2 and select the correct option given uh, below. What happened? Welles. He was the co proposer of natural selection. What Malthus. He wrote an essay on population. Hardy-Winberg law: p square plus q square plus 2 p q equals to 1. On industrial melanism, bits Bittularia, याद है चलो जी ए का हम, हम लोगों ने देखा फोर ए का फोर कहाँ है कहाँ है यहां भी है यहां भी है okay. uh, Maltas, uh, हमारा हो जाएगा ओकेगा कहाँ है दोनों में है भाई ओके सी हार्डी विनबर्ग थ्री सी थ्री चलो ये मिल गया करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद थियोरी पुट फोर्थ बाय हिम ये साइंटिस्ट ने ये थियोरी दिया था ये कौन सा कौन सा सही दिख रहा है आप लोगों को बताओ जरा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर हां जी इट विल बी डाव राइट करेक्ट सही जवाब दिया सब लोगों ने थ्योरी वॉज इट अ थ्योरी थ्योरी पुट फॉर्थ बाय हिम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ बेस पेयर्स ड्यूरिंग रेप्लीकेशन इन इक्वल आई ये बताओ ये कौन बताएगा द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ बेस पेयर्स बी क्या आप लोगों को कैलकुलेशन पता है या फिर ये याद है आपको क्या आपको पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बाय द नंबर ऑफ टाइम दे टेक है ना याद है ओके okay. तो इसका आंसर है ये ये है इसका आंसर आपके एनसीआरटी में दिया गया है एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ बेस पेयर ड्यूरिंग रेप्लीकेशन इन ई एक ई e. का आपको न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर टोटल पता होना चाहिए डिवाइडेड बाय द टाइम दे टेक एटी थ्री मिनट दे टेक एंड यू हैव टू कन्वर्टेड इन टू सेकेंड डिवाइड कर दोगे जो आएगा वो होगा 2000 थाउजेंड पेज पेयर इट इज एन इंटेलिजेंट थिंग टू यू नो रिमेंबर इट क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग ही खराब कर देता है एग्जाम में चलो जी बताओ अच्छा के के ये पुरे एक के बाद एक बाद बताना बट कौन सबसे पहले एक्यूरेटली जवाब देगा मुझे देखना है सिक्स ठीक है क्या क्वेश्चन रेफर टू द स्टेप ऑफ डीएनएप्लीकेशन माय आईज आर ऑन द चैट सेक्शन फटाफट से कौन देगा सबसे पहले आंसर बताओ जरा सेवेंटी सिक्स थ्री ट्वेंटी टू हो गया बच्चों फटाफट से कंप्लीट करना है हमें सेवेंटी सिक्स पे हैं हम लोग अरे कोई तो आंसर दे दो फास्ट 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 एवरीवन चलो मैं आंसर दे देती हूँ सबसे पहले देखो एक्सपोजर ऑफ डीएनए होगा ठीक है एक्टिवेशन ऑफ डी ऑक्सी होगा सी लगा गीतांजलि को इट विल बी फोर बच्चों ये फोर देखना एक के बाद एक स्टेप है डीएनए डीएनएकेशन का यूल बी एबल टू आंसर दिस ओके हर बड़ी मत करना वरना गीतांजलि जैसा थोड़ा सा एक स्टेप इधर उधर और गलत हो जाएगा ठीक है

या फिर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का किया था यस गुड जॉब एवरीवन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑल्सो लॉन्च स्टॉल ने दिया था इनसे रिलेटेड आपके um, क्या बोलते हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं वैसे क्वेश्चंस दूंगी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो इस बार नहीं हम लोगों ने किए हैं ठीक है विच अमीनो एसिड इज सूटेड सॉरी सबस्टिट्यूटेड इन सिकल में कौन से एसिड की जगह कौन सा एमिनो एसिड डाला जाता है और कौन से चेन में यहां पे आप देख सकते हो अल्फा चेन बीटा चेन दोनों चेन्स है कौन सा है सही जवाब बताओ जरा फटाफट से किसको कौन सब्सटीट्यूट कर देता है ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन इन बीटा चेन ये होगा ना भाई ग्लूटामिक एसिड इज सब्सिट्यूटेड बाय वेलिन इन बीटा चेन नेक्स्ट 81 एन इंडिविजुअल एफेक्टेड बाय फिनाइल कि लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एमिनो एसिड इनटू डैश एंड डैश बताओ थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा वर्ड इधर से उधर हो जाने से देखो फटाफट से आप लोग कैसे आंसर गलत दे दे रहे हो बताओ जरा एन इंडिविजुअल एंजाइम दैट ए डैश इन टू डैश क्या होगा टायरोसेन फिनाइल एलान फिनाइल एलानसेन होमियोजेस्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन होमियोजेंटिस एसिड एंड थायरोसिन बताओ फिनाइल एलानिन को टाइरोसिन में दिया जाता है ना डैश इनटू डैश फिनाइल एलानिन टू

जीनोटाइप ऑफ व्हाट हमें किसका जीनोटाइप पता करना है जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स पता करना है जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड इन एफ वन मतलब ये F1 है ये वाला F1 है इसमें पहला और तीसरा चाइल्ड का जीनोटाइप निकालना है अभी बताओ फिना सिकल सेल एनीमिया सब कंफ्यूज हो रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया वेरी इजी बच्चा सिकल सेल एनीमिया तो ऑटोजोमल और तो तो रिसेसिव है है ना ऑटोजोमल तो रिसेसिव तो ये पेरेंट्स क्या होंगे ऑटोजोमल तो रिसेसिव है तो ये लोग इनका रिसेसिव कैरेक्टर्स नहीं होंगे है ना तो चलो आ जाओ देखते हैं यहाँ पे ये इनका रिसेसिव देखो ये है तो ये नहीं होगा फिर यहाँ पे ये हो सकता है ठीक है ये हो सकता है ये नहीं होगा क्योंकि ये है अच्छा ये हो सकता है चलो पेरेंट्स में ये दोनों ऑप्शन खुले हैं हमारे लिए है ना चलो अभी बात करते हैं बच्चों की फर्स्ट एंड थर्ड बच्चा तो गलती से आप लोग क्या कर लोगे इसे भी बच्चा समझ लोगे बट दिस इज नॉट बच्चा दिस इज बच्चा नंबर वन टू एंड थ्री तो हमें पता करना है पहले का और थर्ड का यहाँ पे पहला एंड थर्ड पहला इज नॉट डिजीज बट थर्ड इज डिजीज ठीक है ये डिजीज वाले मैं बना देती हूँ ऐसे 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 ठीक है ये डिजीज है।, है ये ये देखो फर्स्ट इज नॉट डिजीज पर यहाँ पे दोनों के दोनों डिजीज दिखा रखे हैं यहाँ पे फर्स्ट इज नॉट डिजीज बट सेकेंड इज रिसेसिव कंडीशन डिजीज तो सही आंसर क्या होगा फोर ठीक है गुड जॉब भूमिका गुड जॉब चलो एटी थ्री हम लोग के पास बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है फटाफट कंप्लीट करते हैं

सबसे पहला वाला अच्छा बताओ आंसर बताओ ये मिसमैच है, है बाकी सारे के सारे सही डेफिनेशन है ऑफ द डिजीज ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ए आर टी कौन से कौन से है फटाफट से बताओ इसे फटाफट से एटी फाइव इंट्रा यूटरिन डिवाइस अरे वो तो यूज करते हैं हम लोग प्रेगनेंसी रोकने के लिए बाकी ये दो है प्रेगनेंसी Uh, करवाने के लिए जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तो आंसर होगा बोथ टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स फटाफट से बताओ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन माने की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना

ओगा प्रोड्यूस करने लायक नहीं है वो वुमेन बट शी कैन प्रोड्यूस एनवायरमेंट फॉर द द ग्रोथ ऑफ बेबी बताओ जरा ठीक है खुद over नहीं प्रोड्यूस कर पाती डिवाइस हेल्प करेगा क्या इंट्राइन गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गैमेट प्रोड्यूस करके उनके अंदर डाल दो अंदर मस्त वो ग्रो करेंगी क्योंकि यूटरस प्रॉपर है ग्रोथ एनवायरमेंट प्रॉपर है गुड जॉब दिस विल बी दिस वन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्यों नहीं होगा क्योंकि ये एग में जाके हम लोग स्पर्म इंजेक्ट कर देते हैं पर अभी एग प्रोड्यूस करने लायक नहीं है हमारी वुमेन है ना तो इट विल बी गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर बाहर से गैमेट बना के अंदर डाल दीजिए विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेल मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म स्पर्म काउंट अभी मेल का काउंट बहुत कम है ठीक है वेरी लेस मेल स्पर्म काउंट तो भाई हम लोग क्या करेंगे क्या टेक्निक यूज करेंगे इंजेक्ट करके ले लेंगे थोड़ा सा एक, दो भी रहेगा, चलेगा, उसे इंजेक्ट कर देंगे एग के अंदर ठीक है चलो नेक्स्ट एटी नाइन आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास आउटर डैश मिडिल डैश एंड एंड इनर डैश वेरी इजी आउटर क्या होता है हमेशा एक्टोडर्म मिडल मिडल क्या होता है मिजोडम एंड एंडोडर्म फटाफट से एक्टो मिजो एंडो वेरी इजी वेरी इजी ये दो रुपए वाली भी मतलब अठनी वाले क्वेश्चन है ये ओके क्वेश्चन नंबर नाइनटी फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर नाइनटी बस हम लोग दस क्वेश्चन दूर है बच्चो फटाफट से बताओ सौ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर

यस yes. चलो क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू मैच कॉलम वन विद कॉलम टू मैं फटाफट पड़ खत्म करने की कोशिश कर रही हूं बच्चों आई नो इसके बाद आप लोगों के क्लासेस शुरू होने वाले हैं फटाफट पड़ से आंसर बताओ मैच कॉलम वन विद कॉलम टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पार्चुरेशन क्या होता है गेस्टेशन स्टेशन पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ द बेबी ठीक है एक थ्री एक थ्री एक थ्री, एक थ्री. चलो ये आंसर तो आई गया हमारे पास नंबर फोर होगा सही आंसर है ना फिर भी देख लेते हैं गेस्टेशन होगा नंबर फोर गेस्टेशन इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ हमारा रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिक्यूल इम्प्लांटेशन हमारा होगा अटैचमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम एंड कंसेप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइर बाय फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म ठीक है चलो 93 वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एग्जाइन क्या लिखा है -E -E ठीक है प्रेजेंट इन द इन द एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज फटाफट से आंसर दे दो स्पोरोपोलन इन गुड जॉब स्पोरोपोलन इन इज द करेक्ट आंसर स्पोरोपोलन इन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नेक्स्ट फंक्शन ऑफ जर्म पोर जर्म पोर का क्या फंक्शन है germ pore से क्या निकलता है हम लोग बस छह क्वेश्चन फड़ से बताओ व फंक्शन ऑफ जर्म पोर इनिशियन ऑफ पॉलन ट्यूब जर्मपोर से क्या होता है पोलन ट्यूब निकलता है जो जा आके क्या करता है थिंक थोड़ा सा लैग है है ना? 95. कौन सा पे होता है प्लांट का है ये टिपेटम लाइज जस्ट इनर टू द एंडोथियम मिडिल लेयर लाइज बिटवीन द एंडोथेटम एंडोथियम लाइज इनर टू मिडिल लेयर टिपेटम लाइज नेक्स्ट एपिडर्मिस ये लेयर का जो खेल है जो अंदर कट करके हम लोग लेयर्स देखते हैं कौन सा कहाँ प्रेजेंट है उसका बताओ बच्चो नाइनटी फाइव कंसिस्ट ऑफ फोर वॉल इनर टू क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब होगा ये मिडिल लेयर होता है बिटवीन एंडोथेशियम एंड टिपेटम यहां पे ये है टेपेटम ये एंडोथीशियम ये मिडिल ठीक है हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे विद डायग्राम ऐसे तुरंत समझ में नहीं आएगा अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया हो अगर आपके दिमाग में ये वाला डायग्राम जैसे ही वो क्वेश्चन पूछा था अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम नहीं आया तो आंसर कर नहीं पाओगे चलो यहाँ पे एक्स जो माप है वो एक्स क्या है बताओ क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स एक्स क्या है यहाँ पे एक्स है टेपेटम ठीक है यहाँ पे नाम नहीं पूछ रखा है ये टेपेटम करता क्या है क्या प्रोवाइड करता है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन गुड जॉब टेपेटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि आपको कुछ नहीं भूलने देंगे हम चलो 97 चलो वी आर जस्ट थ्री क्वेश्चंस अवे फ्रॉम 100 क्वेश्चंस फटाफट से करो रीड द गिवन स्टेटमेंट फंक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन हॉर्मोन कौन सा सही आंसर दे रखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज रेफर्ड हियर मतलब यहाँ चार हॉर्मोन है किसका सही डेफिनेशन लग रहा है आपको इन सब को पढ़ के ठीक है एक्सोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इनएंस सेक्सुअल बिहेवियर प्रोड्यूसेस द लेडिक सेल इंटस्ट्रीशियल सेल्सिक हॉर्मोन द मेल एंड्रो जेन होगा सारे के सारे जो भी आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये एंड्रोजन का ही डेफिनेशन है इट ऑल स्पीक्स अबाउट एंड्रोजन। एक दो डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा दैट इट इज एंड्रोजन क्वेश्चन नंबर बताओ टेस्टीज का कौन सा सही है बोथ वन एंड टू

क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन वी आर जस्ट वन क्वेश्चन बताओ जरा नाइनटी नाइन Next नेक्स्ट लास्ट question. क्वेश्चन फटाफट से बताओ ह्यूमन बॉडी is इज by. सभी लोग आंसर देंगे इसका सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर देंगे इसका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज में सारे बच्चे जो हंड्रेड क्वेश्चन तक रुके रहे आई एम सो प्राउड ऑफ यू यू हैव नो आइडिया घर बैठे बैठे लैपटॉप या फोन के सामने बैठे बैठे आप लोगों ने बायोलॉजी का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट कर दिया है बिफोर योर नीट एग्जाम ंग्रेचुलेशन टू यू द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज पीडीएफ मिल जाएगा इसका जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है जाके आप एनसीआर में दोबारा देखोगे एंड यू विल अंडरलाइन बहुत ज्यादा जोर जोर से अंडरलाइन कर देना कि ये गलत हुआ था एंड देन रिवाइज करते वक्त उससे अच्छे से रिवाइज करना है फटाफट से आई विल नॉट टेक मच टाइम क्योंकि अभी आपका क्लास शुरू होने वाला है केमिस्ट्री का फटाफट से मैं बता दो कि बायोलॉजी स्पॉटलाइट बायोलॉजी स्पॉटलाइट कल शुरू होगा एट 2 पीएम इन दिस चैनल आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी देयर हम लोग मजेदार तरीके से सेल वाला चैप्टर करेंगे ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे कि भाई आ, उस चैप्टर से कुछ नहीं छूटेगा आपका जोर-जोर से अंडरलाइन मतलब ऐसा अंडरलाइन करना देखो ऐसा 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 डार्क वाला अंडरलाइन करना कि ये मैंने गलत कर दिया था फिर मॉक टेस्ट देना वही क्वेश्चन दोबारा गलत हुआ उसे और एक अंडरलाइन करना ऐसे ही समझ में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था ठीक है ओके समझ आया चलो बायोलॉजी स्पॉटलाइट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये है हमारा टेलीग्राम चैनल इसमें क्या हो गया कलर का टी डॉट मी स्लैश वन नीट यहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा बच्चा और उसके साथ साथ कल हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी स्पॉटलाइट टू पी एम आई एम सुपर एक्साइटेड मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए माइंड मैप बनाया है ऐसे चा, ऐसे वहां से पैराग्राफ्स ढूंढे हैं जहां से हर बार लगभग यू नो दस साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आई एम कीपिंग दम ऑलरेडी एक्साइटेड टू एट टू पी एम देन वर्क रियली वेरी हार्ड बाय